आपका किसी भी कंपनी का लैपटॉप है, आप उस कंपनी का जो जेन्युइन टचपैड ड्राइवर जो है, आप उसे कहाँ से और कैसे डाउनलोड करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे इंस्टॉल करने से क्या होगा कि अगर आपके टचपैड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका माउस वगैरह, आपका जो कर्सर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, या डिसेबल हो जा रहा है, या डिसअपीयर हो जाता है कभी बार, तो वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, और क्रोम ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है। जैसे फॉर एग्जांपल डेल का है तो आपको यहाँ पे डेल आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका एचपी कराता है तो आपको यहाँ पे एचपी टाइप करना है, या आपका आसूस कराता है या लिनोवो कराता है, जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप रहता है तो आपको उस कंपनी को का नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे जो लैपटॉप है वो डेल कंपनी का है, तो मैं यहाँ पे डेल टाइप करूँगा। डेल टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ड्राइवर टाइप करना है, डेल ड्राइवर। अगर आपका एचपी का है तो आप यहाँ पे एचपी ड्राइवर टाइप करोगे, अगर आपका लिनोवो का है तो आप यहाँ पे लिनोवो ड्राइवर आप यहाँ पे टाइप करोगे। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो डेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जिस भी वेबसाइट में आप गए हो उस कंपनी के अकॉर्डिंग, जैसे आपका एचपी का वेबसाइट है तो आप एचपी के वेबसाइट में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे ही आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। या आप लिनोवो के वेबसाइट में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे भी आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपका जिस भी कंपनी का वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे मेरा डेल का है तो यहाँ पे मेरा डेल के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आपका एचपी का रहता है या लिनोवो का रहता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे वो सर्च बार आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस सर्च बार में आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा, और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मुझे रिकमेंड का भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, जिस भी मॉडल का यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, क्या सीरियल की है, सीरियल नंबर है, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो रिकमेंड का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपका भी रिकमेंड का ऑप्शन इस तरह से शो होता है तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे रिकमेंड का ऑप्शन शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर को आप यहाँ पे टाइप कर आप इसे ओपन कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे रिकमेंड में ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपका जो लैपटॉप का मॉडल है, सीरियल नंबर है, यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में चले जाना है। आपका जिस भी कंपनी का वेबसाइट है, जैसे एचपी का है या लिनोवो का है, तो आपको भी वहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। अपवर्ड की ओर या डाउनलोड की ओर आपको वहाँ पे जरा फाइंड करना होगा, तो आपको वहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा, तो आपको उस ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ इसके ऊपर, और क्लिक करने के बाद आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको फाइंड ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। और जो ये मैं ड्राइवर डाउनलोड कर रहा हूँ टचपैड से रिलेटेड, माउस टचपैड से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं इस ड्राइवर को मैनुअली तरीके से मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैनुअली फाइंड स्पेसिफिक ड्राइवर का आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस फाइंड ड्राइवर पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे बहुत सारा ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो ये जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स है ये आपके लैपटॉप का, आपका जिस भी लैपटॉप का, मैंने जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, पार्टिकुलरली उसी लैपटॉप का, उसी मॉडल नंबर का आपको यहाँ पे जेन्युइन ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको जैसे देखोगे यहाँ पे माउस, कीबोर्ड एंड इनपुट डिवाइस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डेल टच पे ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहा है जो माउस से रिलेटेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। और इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल हो जाने के बाद, जो आपका अगर बाय द वे आपका टचपैड से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, या आपका माउस कर्सर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, या डिसेबल हो जाता है, या कभी कभार क्या होता है डिसअपीयर भी हो जाता है, या कभी कभार प्रॉपर तरीके से वर्क भी नहीं करता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। या आप टू फिंगर स्क्रॉलिंग का आप वर्क कर रहे हो, या थ्री फिंगर स्क्रॉलिंग का वर्क करते हो अपने टचपैड में, तो वो भी आपका वर्क करने लगेगा इस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद।
तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आप किसी भी ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप टच पे ड्राइवर को ही आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे एक सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।